मा एक व्रत ने मा काया बचना मना पति पद प्रेमा। काय से स्त्री का परम धर्म है कि तन मन धन से पति को प्रसन्न रखे, है ना, और देवताओं को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से और भगवान कौन है, भगवान कहते हैं तुम हो एक गोचर और सबके प्राणपति। भगवान सबके प्राणपति है, ऐसे प्राणपति भगवान को जिसने रिझा लिया कहते हैं भैया वही जीवन में सुखी है, बाकी सारा संसार दुखी है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि भैया ऋषियों जैसे आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था और जैसा भगवान ने नारद जी को बताया था वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के श्रवण करिए। तो ऋषियों को बताते हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागतो। एक बार नारद जी जो योगी है, योगी का क्या कहते हैं जो भगवान से नित्य युक्त है, और एकदा नारदो योगी मन में भाव लेकर के नारद जी ने मन में भाव धारण किया कि परानुग्रह कांक्षया आज जो भी दुखी मिलेगा कहते उसको सुखी करेंगे। क्यों, क्योंकि धर्म क्या है, पद एक धर्म नहीं भाई। मानस में दादा लिखते हैं कि पद पीड़ा समा नहीं अधमाए, परहित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। जैसे उनको बताया तो उन्होंने कहा महाराज नारद जी क्या करते हैं, नारद जी परानुग्रह कांक्षा परहित का भाव लेकर के नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हैं और क्या देखा, कहते भैया मृत्यु लोक उपागत, मृत्यु लोक में नारद जी आए हैं। मृत्यु लोक पर आकर के नारद जी ने क्या देखा, सबको दुखी देखा, है ना, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समंदिता। कहते भैया सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेश से दुखी हैं, सभी लोग पीड़ा में हैं, सभी लोगों के जीवन में कष्ट है। नारद जी ने जब सभी को दुखी देखा तो तुरंत भगवान के पास गए, भगवान के पास वैकुंठ लोक में गए, भगवान का दर्शन किया है। नारायणम देवा शुक्ल वर्ण चतुर्भुज, भगवान का दर्शन किया, शुक्ल वर्ण के भगवान शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित और वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन करके भगवान की स्तुति करी है। नमो वा मनसातीता रूपाया अनंत शक्तये आदि मध्या निर्गुणाय गुणात्मने, भगवान की स्तुति करी आदि मध्यांत ही नाय, भगवान कहते भैया जिसका आदि नहीं है वो कौन है, वो भगवान है। संसार के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो भगवान है, संसार जब नहीं था तो जो थे वो कौन, कहते वो भगवान। और जब संसार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर की अवधि निश्चित है ऐसे संसार की भी अवधि निश्चित है, संसार समाप्त हो जाएगा तो जो रहेंगे वो भगवान है। इसलिए भगवान कौन, कहते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, भगवान निर्गुण भी हैं और भगवान निर्गुण निराकार भी है, भगवान सगुण साकार भी है। इस प्रकार की जब भगवान की स्तुति करी है तो भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप हमको उपाय बताइए जिससे सभी लोग सुखी हो जाए, परहित का भाव लेकर के। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने उपाय बताया कि नारद एक उपाय है, कहते मृत्यु लोक में वैसे अनेक उपाय है ना, लोग भागवत की कर ले, 7 दिन बैठ के कथा सुन ले, मुक्त हो जाएंगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, और समय है तो 9 दिन बैठे राम कथा सुने, जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा, जन्म जन्म की व्यथा को दूर कर दे और राम कथा कही का हमारा समय नहीं होगा, लघु उपाय, कोई लघु उपाय बताइए जिससे सब दुखी हो जाए, का एक उपाय है, लघु उपाय क्या, कहते भैया सत्य नारायणम देवा यजे चैव निशामुखे, कहते सत्यनारायण के व्रत को जो कर ले, भगवान सत्यनारायण का जो पूजन कर ले वो लघु उपाय है, छोटा सा उपाय, 2-2.5 घंटे बैठ करके भगवान के सानिध्य में जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने कहा महाराज क्या मिलेगा,
पूजा करने से क्या लाभ? पहले सब तो मन में यही प्रश्न हमारे, पूजा करे क्या लाभ है ना? कहते भैया उनसे पूछो जिसे जिसने जो पूजा करता है ना, बिना किए तो पता चलेगा। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति अनुभव का विषय है, संसार को क्या दिखता है इससे कोई मतलब नहीं है। मीरा को क्या मिला है ना, सबरी को क्या मिला और उनके जीवन का उद्देश्य क्या? सबरी जी ने अगर राम राम नाम का संकीर्तन या जप किया तो उद्देश्य ये था कि मेरे राम आएंगे, बस राम जी का दर्शन हो जाए। तो आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, भक्त किस उद्देश्य से पूजन कर रहा है वो शायद आपको हमको नहीं पता। हमको लगता है महाराज मुझे बहुत परेशान है, पूजा खूब करते हैं लेकिन परेशान बहुत दिखते हैं, तो वो आपको ना दिखाई पड़े। क्यों? याद रखना ये जो संसार में जीव आया है उसको पुराना हिसाब क्लियर करना है ना। वो कहते अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभ ही, शुभ या अशुभ जो भी कर्म हम कर रहे हैं कहते वो हमको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करिए, कहते भैया भगवान का भजन करिए। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। संसार जितने भी है सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, संसार ये है। मतलब आए तो प्रेम करें और मतलब समाप्त हो जाए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, इसी का नाम संसार है। और भगवान से पूछा महाराज क्या मिलेगा, भगवान ने बताया कृतवा सत्य सुखम भूतवा, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी। और परत्र मोक्ष मापया, अंत में जब शरीर छूटेगा तो जीव भगवान के धाम को जाता है। भगवान से जब ये सुना नारद जी ने कि तब नारद जी ने पूछा महाराज किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतो तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभो। नारद जी ने चार प्रश्न पूछा था, किम फलम क्या मिलेगा इस व्रत को करके, बोले भैया। और दूसरा प्रश्न किम विधानम च, तो पहला प्रश्न का क्या मिलेगा भगवान के व्रत पूजन को करके। तो भगवान ने बताया नारद जी को कि हे नारद, धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करूं सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान की कथा ऐसी है, भगवान कहते हैं सत्य व्रत को जो धारण कर लेगा, जिसके जीवन में सत्य आ जाएगा। सत्य क्या कहते हैं, धर्मान दो सर सत्य समाना, यही धर्म है ना। राम जी कौन कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की अगर मूर्ति बनाई जाए तो राम जी जैसे है वही धर्म है, राम जी जैसे चलते हैं। किसी ने पूछा महाराज धर्म अगर चले तो कैसे चलेगा, धर्म बोले तो कैसे बोलेगा है ना। कहते भैया राम जी को देखिए है ना, राम जी जैसे चलते हैं वैसे ही धर्म चलेगा, क्योंकि राम रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म की मूर्ति है। जब इनको बताया कहा महाराज क्या मिलेगा, बोले सब मिलेगा। यस कहा जो चाहिए, धन धान्य प्रवर्धनम, जीवन में अगर भोजन की कमी है तो भगवान धन धान्य दे देंगे, जीवन में अगर धन की कमी है तो लक्ष्मी आ जाएगी है ना। धन धान्य प्रवर्धनम, विवाह जिसका नहीं होता उसके लिए सौभाग्य करे, विवाह हो जाएगा है ना। जिसे संतान नहीं होता उसके लिए संतति करे, उसे योग्य संतान प्राप्त होगी। सौभाग्य संतति कर्म और सर्वत्र विजय प्रदम, और सर्वत्र विजय होगी। क्योंकि भगवान का भक्त कभी पराजित नहीं होता, इसलिए भगवान के पूजन को प्रारंभ करने के पहले श्लोक में बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो वृत ध्रुवानी तिलमतिर मम। जहाँ धर्म है जहाँ भगवान, मतलब कृपा और पुरुषार्थ, हम अपना कर्म कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं है ना। कर्म भी करना है और प्रार्थना भी करना है। कहते जहाँ पे भगवान की कृपा है, जहाँ अपना पुरुषार्थ है, वहाँ पे श्री है, लक्ष्मी है। तत्र शीर विजय हो, वहाँ विजय है। तत्र शीर विजय ध्रुवानी, भगवान कहते हैं ये अटल सत्य है। तो जीवन में जो पाना है पुरुषार्थ करिए और भगवान का भजन करिए, तो भगवत कृपा से सब मिल जाएगा। धन धान्य प्रवर्धन। नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा किम फलम किम विधानम च, भगवान विधान क्या है, भगवान के पूजन को करने का विधान क्या भैया, कोई विधान नहीं, जिसका जो सामर्थ्य है ना, अपने शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार पूजन करिए। महाराज कैसे करें, बोले रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्ण कऊ। रंभा फल केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि जो कुछ मिले भगवान का पूजन करिए, भगवान को भोग लगाइए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्ण कऊ, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बनाए। गेहूं भी ना मिले तो कहते हैं अभावे शाली चूर्णम शक्करा वृस्तदा है ना, शाली साठी चावल के चूर्ण से प्रसाद बनाइए, शक्कर का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए।
है ना। भाव से भगवान को भोग लगाइए और भगवान की कथा को श्रवण करिए और प्रेम से आहुति प्रदान करिए, इससे सब मिल जाएगा। किम फलम किम विधानम च गोकम के नहीं, किसने किया व्रत को शेष चार अध्याय में चौथा प्रश्न, कदा कार्य व्रतों प्रभो। प्रभु व्रत को कब करना चाहिए हमको बताइए। कहा भैया भगवान के व्रत को करने के लिए किसी दिन को देखने की आवश्यकता नहीं है, कब करिए। अस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, है ना, जब याद आए भगवान की। इसलिए कड़ी गई भाव से प्रेम के लिए सत्यनारायण भगवान की जय। कहते यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता। जब याद आए, जिस दिन भगवान की याद आए उसी दिन पूजन कर लेना चाहिए। कोई पितृपक्ष, कोई तिथि, कोई वार, कोई नक्षत्र, कोई मुहूर्त, कोई महीना देखने की आवश्यकता नहीं है ना। जब भगवान की याद आए उसी दिन पूजन करने से कहते हैं भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कृतंके नहीं व्रतम तत्सर्वम ही कदा, इस प्रकार भगवान की कथा परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ भगवान की कथा श्रवण करिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या है, कहते मंगल भवाना अमंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर बिहारे। भगवान मंगल भवन है, मंगल के भवन, जहाँ भगवान का नाम जपा जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। इसलिए जप करिए, इसलिए कहीं ही कहिए ओ नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। जो नाम दिल से ले भाव से भगवान का नाम जपे, कहते नाम क्या है, कहते नाम है तेरा तारणहारा, है ना। भगवान का नाम तार देता है, तो लेकिन कैसे देना, कह हृदय से पुकार, जिसने हृदय से पुकारा तो भगवान चले आते हैं। इसलिए गीत सुनते भी हम लोग गाते नहीं है बार बार, अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि, कौन कहता है भगवान आते नहीं मेरा की तरह तुम बुलाते नहीं। हमारे भीतर कभी है, इसलिए कहते हैं भैया भगवान सबको सब देने को तैयार बैठे, लेकिन कहते हैं कहते उनकी करुणा में कोई, गुरुदेव भगवान का बहुत प्यारा पद, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं और योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारी कमी रह गई। कमी हम हमारे भीतर, इसलिए क्या कह रहे हैं, जिसने स्वयं में दोष दर्शन किया वो भगवान का बन गया। क्या करना, परिवार में भी एक सूत्र रहता था, परिवार में भी पति पत्नी में नोक झोंक तो होती रहती है, हर घर की कथा है ना, तो किया क्या जाए। कहते अपने भीतर की कमी को देखिए और सॉरी बोल दीजिए, कहानी है ना, गलती न होने पर भी
क्या इससे प्रेम बना रहेगा? तू तू मैं करके महाभारत और राई से पहाड़ बनाना ये समझदारी नहीं है। रहना साथ में है ना, तो गलती ना भी हो तो भी बोले यार गलती है, छोड़ वो बाद में सामने वाले को रियलाइज होगा कि नहीं नहीं वो सही हो गया बेचारा, सॉरी भैया कितना महान है ना, श्रद्धा बढ़ेगी आपके अंदर। तो ये करना चाहिए, ये सब सूत्र है जीवन के, लेकिन नहीं नहीं हम तो अकड़े हैं, है ना, अपनी गलती मानेंगे नहीं बोलेंगे, बस चालू हो जाए फिर महाभारत नहीं चालू, चार दिन बाद बंद है हमारा, है ना, घर में जाओ ना जाए जब बुलाओ मेरा फोन ना हमारा, पांच दिन से बात बंद बाबा बोले तब बोले उनको व्हाट्सएप कर दे। अरे इसका मतलब ऐसे नहीं, जीवन कैसे जीना कहते तुरंत याद रखना है, जीवन भगवान ने कुछ लिमिटेड समय के लिए दिया है, आज हम आपके बीच में हैं, कल हो ना हो, है ना, तो क्या किया जाए, हर क्षण को जीना सीखे, कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कुछ कल शाम को मिला सवेरे बोले माया चले गए अपने धाम, सुनाए होगा आपने कई जगह ऐसी घटनाएं बार बार जीवन में हम देखते हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे, मतलब क्या किया जाए, हमको लगता है कि ना हम तो हमारा रजिस्ट्री करके आए कई साल दो साल रहेंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं, क्या इसलिए जब तक जीवन है कहते हैं तब तक प्रेम से रहिए, आपके जाने के बाद लोग याद करेंगे, वाह क्या आदमी है ना, नहीं तो वही लड़ लड़ लोग तो बनावट है महाराज चला गया, ऐसे ऐसे जगह घर में जाते हैं तो पूछो भैया क्या हो तेरे बाबू काल बारे महाराज भगवान बनावट चला जाते हैं नरक कह रहे हैं जिंदगी, है ना, तो ऐसा ना हम जीवन किसी का नरक करने नहीं आए, जो हमारे साथ जुड़े वो प्रसन्न हो जाए, है ना, तो ये क्या बोलते हैं स्प्रेड हैप्पीनेस, खुशियां बांटो, याद रखना एक सूत्र और है कथा का, जीवन में आप जो बांटोगे वही मिलेगा, अगर आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है एक सूत्र बता रहा हूँ, जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए वो देना सीखिए, लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग चाहते हैं कि महाराज हम धनवान बन जाए लेकिन दान के नाम पे जीरो जीरो बटा जीरो, है ना, याद रखना, और लोग चाहते हैं महाराज हम सम्मानी बने, लोग हमारा सम्मान कर महाराज बड़े आदमी आगे बड़े आगे, लेकिन हम सम्मान हम सीधा तू तो मैं रेवे पे लगे आगे, तो कहां से सम्मान मिलेगा, हमको चाहिए कि लोग हमसे प्रेम करें, हम किसी से नहीं करेंगे, हम तो तुरंत लाठी लेकर तैयार कर पूछ ले बस खाली कहो महाराज कैसे बोले दे देते मतलब बड़े बड़े हैं, याद रखना वो इसलिए कहते हैं भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से था और करता था तो क्यों किया अगर क्यों बचता था, इसलिए कथा का सूत्र है जीवन में सुख है या जीवन में दुख है वो निज देख करमा भोग सब भाता, लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण जी निषाद रात को समझाते हैं भैया काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत करमा भोग सब भ्राता, कहते हैं भैया कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है ना, निज कृत कर्म, आज अगर मेरे पास संपत्ति है तो मेरा कर्म है, अगर आज मैं दरिद्र हूँ उसमें मेरा कर्म है, आगे कथा में मालूम पड़े, और जैसे कर्म बदला सब कुछ आगे जो चाहिए, तो यहाँ पे यही बात है, पूरी बात भाव से भगवान की कथा को सुन करके जो जीवन में अपना ले प्रेम से आहुति प्रदान करें, भगवान की कथा श्रवण करें, प्रसाद का वितरण करें, उसके बाद नृत्य गीत अधिकम करे, नृत्य गीत करे, चंद्रकांड हो भजन आनंद नाथ नृत्य हो, है ना, इसलिए भाव से कोई भी भगवान के भजन भजन मीरा बाई जैसे नाचती थी वो नृत्य, है ना, नृत्य बोलो तो महाराज लगा दे डरते जिसको चालू कर देना चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, भगवान के भजन को गाकर के भाव में नृत्य करें, नृत्य गीत का नृत्य गीत का आयोजन करना चाहिए, और जो इस प्रकार से भगवान की कथा को सुनता है भैया कहते भगवत कृपा से उसके सभी कामना की पूर्ति हो जाती है, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय, अर्पित करिए सामने पुनः पुष्प ले लीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण।
हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल जय जय राधा रमण हरे बोल जय जय राधा रमण हरे बोल वृंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीय अध्याय कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अतिनिर्धनः श्रुत्वा व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। तो भैया दूसरे अध्याय की कथा जो है ब्राह्मण देवताओं की कथा है। कहते भैया लोगों को लगता है कि ब्राह्मण लोग कहते भी है महाराज अगर भगवान से इतने कनेक्शन है तो क्या करें घर घर घूमत है ऐसा कुछ करिए कि आपके घर में लक्ष्मी रहे है ना। और ये सत्य है अगर हम ब्रह्म कर्म में जुड़े हैं तो स्वयं लक्ष्मी उपासना कर पहले अपना धर्म है कि नारायण को रिझा लिया जाए ताकि जो हमें चाहिए वो मिल जाए है ना। इसलिए कहते हैं एक मंदिर के सामने एक फकीर बैठा था। कुछ सिपाही वहां पर आए उन्होंने कहा कि बाबा जी एक हमारे राजा आ रहे हैं। बोले तो बोले अगर आपको कुछ चाहिए हो तो राजा से मांगना। बोले अच्छा क्या मांगना। बोले जो कुछ चाहिए राजा से जो मांगता है उसको खाली नहीं जाने देते पक्का देते। बोले अच्छा तो यहाँ राजा कौन है भैया। बोले अभी देखो आएंगे। बोले कहाँ आएंगे। बोले मंदिर में आएंगे दर्शन। बोले भैया तो कहते हैं वो राजा यहाँ क्या करने आएंगे। बोले जो कुछ है भगवान से मांगने आएंगे। बोलेंगे जब वो जिससे मांग रहे हैं ना मैं भी उससे मांग लूंगा मुझे उससे मांगने की जरूरत नहीं है ना। मतलब इतना विश्वास होना चाहिए कि वो तो खुद भिखारी है वो किसी से मांगने ही आ रहा है ना मैं उसी से मांग लूंगा मेरा उससे संबंध है। ये भरोसा संसार से क्या मांगना। इसलिए गीत है संसार के लोगों से आसान किया करना यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना है। यहाँ कोई अपना नहीं है क्या करिए राम नाम सत्य है जपते रहिए नहीं तो बाद में बताया जाएगा तब सुनाई न पड़े समझ में ना है। इसलिए पहले ही जान जाइए कि राम नाम सत्य है क्या करिए सिया राम संकीर्तन हरे राम। इसलिए संत कहते हैं भैया कि अगर आपको ढूंढना ही है संसार में कि नगीना नगीना मतलब कुछ बहुमूल्य हो बहुत कीमती बेस कीमती है उसको नगीना बोलते हैं जो सबसे कीमती है। तो बोले संसार में नगीना क्या है तो संत कहते हैं ओ राम जैसा नगीना नहीं और सारे जग की बजर जगत के बाजार में ढूंढने निकलो राम जैसा कोई नहीं। इसी भाव से करी गई है ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में नील मणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में ओ नील मणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कहते यही सत्य है ब्राह्मण होकर भी जीवन में एक व्यक्ति दुखी है काशी में रहने के बाद है। कहते सात पुरियां हैं पुरी मालूम है सब सात ऐसे पुरी जो मोक्ष देती है मोक्ष देने वाली सात पुरियां हैं जहां जन्म लेना जहां मृत्यु मिलना ये सौभाग्य की बात है। कौन सी पुरी मालूम है अयोध्या पहला मथुरा माया माया काशी बनारस कांची अवंतिका पुरी द्वारापुरी ये सप्त मोक्षदायक पुरी है। उसमें एक पुरी है काशी और काशी में रहते थे ब्राह्मण देवता नाम था शतानंद लेकिन जीवन में कोई आनंद नहीं था है ना। नाम है शतानंद सौ गुना आनंद लेकिन जीवन में बड़ा दुख था एक दिन दुखी होकर क्या करते नित्यम भ्राम भूतल नित्य भिक्षा के लिए भ्रमण करते मांगते संसार क्यों मांगते क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं
अगर जैसे भगवान पे भरोसा हो संसार का क्यों मांगे, है ना, उसे भरोसा होगा भैया वो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम, जब राम सबको देते तो हमको भी देंगे, है ना। और सबके पास प्रमाण है, आप लोगों के जीवन में इस युग में भी प्रमाण देख सकते हो कि राम को जिस पे विश्वास है, जिसको भगवान पे विश्वास है, उसका सारा काम राम कर रहा है और उतार रहा है। क्या कह रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, हमारा काम लगाने का कुछ होगा सब राम जी करते हैं। कब विश्वास होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवत सेवा मार्ग में विश्वास हो फलदायक, अगर हमारे विश्वास में कमी है तो सब कुछ बेकार है, सब निरर्थक है। और विश्वास है तो कहते हैं भगवत कृपा से सब प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता के जीवन में थोड़ी समस्या, क्या समस्या, कि विश्वास नहीं था, वो विश्वास नहीं था, इसलिए मानस में दादा लिखते हैं बिन विश्वास भक्ति नहीं, है ना, और तेही बिन द्रव ही ना राम, समझ में आ रहा है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और तेही बिन द्रव ही ना राम, उसके बिना राम भी द्रवित नहीं, भक्ति के बिना राम भी नहीं दिखेंगे। राम द्रवे बिन सपने हो जीवन लह विश्राम, जीवन में विश्राम चाहिए तो कहते हैं बिना राम के विश्राम नहीं हो, इसलिए संत गाते हैं ये कड़ी गाली जी, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति चाहिए जिसको जीवन में चाहिए, क्या करें, हरि का भजन करें, है ना, एक कड़ी गाली, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन ओ श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, ओ भजमन नारायण 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 भजमन, ओ सत्य नारायण 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 सत्य, ओम श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बिना भगवत भजन के शांति न मिले, है ना, संसार में कितना भी बना लीजिए, लखपति करोड़पति, है ना, या अरबपति, उसमें बड़ी की यात्रा है, कहते याद रखना जब तक ये तृष्णा है ना वो शांति से जीने नहीं देते, है ना, याद रखना एक वो दिन था जब छोटी कुटिया में 6 लोग शांति से सोते थे, कहते बहुत हम सबसे अमीर आदमी, क्यों, परिवार साथ है ना, बड़े सुखी है, और एक आज है सबके पास एक अपना अपना वन बीच के है, पर्सनल बेडरूम है, और तो भी लोग परेशान है, कहो पहले एक छोटी कोठरी में पूरा परिवार दिले और सुखी रहे, आज सब सबका एक अपना अपना बेडरूम है, और पूछो महाराज सुखी हो, बोला नहीं बहुत दुख है महाराज, क्यों, क्योंकि हम परिवार से दूर चले जा रहे हैं, आपस में संवाद करने का समय नहीं है, है ना, आज की कलयुग में एक नया व्रत निकला, जानते हैं नया व्रत, क्या व्रत मालूम है, व्रत का नाम है मोबाइल पर, रविवार के दिन मोबाइल पर छूना वर्जित है, गलती से न स्पर्श करें, एकांत में रख दीजिए और पूरा समय परिवार में बिताइए तो सुख मिलेगा, नहीं तो लोग इतना डूबे हैं कि बाबूजी बगल में बैठे तो बेटा व्हाट्सएप कर दो, कहा बाबूजी तो बाबूजी बात इसलिए क्या करना, इसका मतलब ये तो विनोद की बात है, ये उपकरण बुरे हैं ऐसा नहीं है, हमको इसको यूज करने नहीं आ रहा, हम लोग इसमें एडिक्ट हो गए, एडिक्ट मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले कौन एडिक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन इज लाइक लत, नशा, हाँ पूरा घूम में जाना तो अलग हो तो अलग है, अच्छा शब्द में भी आ जाता है, एडिक्शन नशा है, आज मोबाइल एक नशा है लोगों को, है ना, बिना उसके 5 मिनट छोड़ा तो आदमी बौखला बारे मोबाइल का होगा, है ना, उसके बाद फिर मोबाइल में सार्वजनिक नहीं है, पूछो वो मैं दुनिया भर का पासवर्ड लगा लगा, है ना, फेसबुक में अलग, व्हाट्सएप में अलग, ऊपर वाला अलग, अंदर वाला अलग,
इतनी सिक्योरिटी लाइफ है और फिर भी परेशान है ना। और पहले कुछ ना पहले पैसा भगवान के लेके चला रहा, बाबू जी कमा के लाए, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, उसी से गुजारा हो जाए, उसी में सुखी रहे। एक बाबू चार बेटवा का पान ले जाए, आज एक बेटवा से एक बाबू ने पलट, वो परेशान हो जाता, बोले गुरु जी मेरे पिताजी के कारण बहुत परेशान था। क्यों? उसने जब चार लोगों को पाल लिया अंदर पीड़ा नहीं भाई, आज सबका अपना अपना वन बेच गया है तो उसके बाद परेशान है। क्यों? याद रखना यही संसार है। इसका मतलब कहते जिसको जीवन में जीना नहीं आया वो दुखी होगा, जिसको जीवन में जीना आ गया वो कुठरी में भी सुखी है ना। एक बाबा जी लंगोटा पहन, बाबा जी के पास संपत्ति क्या मालूम है? जग जग उसको सच्चा बाबा होगा, कुछ महाराज क्या कमाई के बोले एक लंगोटी है भैया, और बोला कुछ नहीं, उनकी उनकी प्रॉपर्टी के नाम देगा एक लंगोटा, उसमें खुश है, बोले हम बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा अपना ही है ना। मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो अपना अपने बाबू को बेटवा चुनावी ले लेके दौड़ दो, समाचार खोलो तो एक बाबू ने एक बेटवा माई के ऊपर झोंक दिए, ये कभी हुआ है ना। इसलिए क्या करना, माता पिता को तो सावधान रहना होगा, पूरा भरोसा ना, आग बूंद करके भरोसा किसी पे ना करे, है ना। ऐसे आज खबर पड़ा लगा बाबू जी ने बेटवा, हाँ ये रेमंड के कपड़ा वाले, अरे सुने उनकी कथा, रेमंड के कपड़ा वाले कितने बड़े एक जमाने के धनाढ्य, पुत्र मोह में आकर के संपत्ति बेटवा के नाम पे करी, बेटवा बोले के बेटा होता आपका कुछ नहीं होगा, है ना। भाड़ा के लिए भी होता है कि भाई आपको भाड़ा मिले तो जीवन जिए, तो कहते हैं कलयुग है तो इसी पे आप हमको भरोसा नहीं करिए। इसलिए गीत है, संसार के लोगों पे आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना उसिया नाम जपा करना। तर भैया बलापरी छोड़ बिरानी आज खुद पे भरोसा, ब्राह्मण देवता दुखी थे, क्यों? भरोसा भगवान पे नहीं था, है ना। भगवान पे भरोसा नहीं था तो क्या किसके भरोसा? संसार। क्या करते जाके ब्रह्म भूतले भिक्षा मांगते घर घर जाके, कभी सोचते कि गुप्ता जी के यहाँ निखिल सेठ के पास आएंगे तो दक्षिणा देंगे तो एक महीना हुआ निकल जाए, दूसरा कोई संतोष भैया मेरे चला जाएगा पार हो जाएगा, है ना। एक कुछ करके जीवन चलता लेकिन नहीं मिलता, कब मिलेगा? जब आप योग्य फर्स्ट डिजायर देन डिजायर, आप योग्य बनोगे सब कुछ अपने आप आ जाएगा, और अगर आप योग्य नहीं हो कोई किसी को नहीं पूछता, ये संसार क्या? यही बात है, ब्राह्मण देवता जगत पे भरोसा करके नित्य भिक्षा मांगते कुछ नहीं मिलता, दुखी होकर के घर पे आते पत्नी पूछते कि स्वामी जी कुछ लाए हो आज, बोले ये मिला आधा किलो चावल, बोले इनमें कई लोगों का पेट भरी वही पका के बेचारे दो लोग खाते दो भूखे सो जाते, ये दयनीय स्थिति है ना। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होते तो अंत में भगवान को पुकारते, बोलते हे भगवान मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो एक कोई मार्ग दिखाई, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, बहुत छोटा परिवार, भगवान दर्शन दीजिए, बार बार जब भगवान को बुलाते तो कहते भगवत कृपा से भगवान ही एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं और पूछा कि बेटे तेरी क्या दुख है तेरे जीवन में, आप बड़े दुखी से दिखाई पड़ रहे हो, कहते सुन करके बड़ा आनंद आया, कहते अवृद्ध ब्राह्मण रूपस्तमादरा, आज इतने इतने समय में उस ब्राह्मण देवता को किसी व्यक्ति ने आदर से पूछा, कह रहे ब्राह्मण देवता आप दुखी हो क्या, बहुत अच्छा लगा, बोले कोई तो है संसार में पूछ रहा है, गए पास में बैठे, बोले हाँ भैया बहुत दुखी लग रहा, बोले तो बोले कुछ उपाय अगर आप जानते हो तो बताइए, कोई सूझती राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और मेरे प्रियतमो मेरे राजी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, हे भगवान कुछ अगर आप उपाय जानते हो तो बताइए। ब्राह्मण कहता करो भगवान ने धारण किया था, भगवान ने बोला बेटे एक काम करो अब सत्यनारायण मृत्यु कर, बोले कैसे करे भैया, बोले बहुत सरल है, कैसे सरल है, बोले जो है तुलसी पत्र चढ़ाते हुए मेरे ठाकुर हरी जाते हैं और उसी से सब दे देंगे, बोले क्या ये संभव इसे सब मिलेगा, बोले बिल्कुल विश्वास होगा तो सब प्राप्त हो जाएगा, पूरा पूरा विधान पूछा, बोले और अगर सामर्थ्य है तो कैसे करें, बोले सामर्थ्य तो भैया रम्मा फलम उत्तम क्षीर, है ना, बढ़िया देसी गाय का देसी घी, है ना, 1700 रुपए किलो लियावा चढ़ावा, है ना, सामर्थ्य अपना
और भगवान को कान्हा ने माखन भावे रे और कान्हा ने मिश्रे भावे रे। माखन मिश्रे का भोग लगाई जो सामर्थ्य न हो तुलसी पत्र से भगवान दिख जाते हैं। समस्या हो तो आप लोग खड़े हो सकते हैं, कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है, है ना। एक बार उठ के भगवान को प्रणाम करिए फिर बैठ जाइए, है ना। परेशान हो रहे थे कथा न हो एक जफरी दोनों के लिए सुन तो बता रहे बाकी ना उठा दोनों जो इसको उठा दे रहे हैं उठावे पड़े ना भैया अपन एक छोड़ी हाँ उनका दाव एकदम फाउंडेशन नहीं है।